हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं बताने वाला हूँ आज आपको कॉफ़ी के बारे में, कैफीन। कैफीन जो द्रव्य है ये कॉफ़ी में बहुत अधिक मात्रा में रहता है, जो हम कॉफ़ी पीते हैं उसमें, और बाकी मेडिसिन में रहता है, कुछ दवाइयाँ उसमें कैफीन रहता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है कुछ उसमें रहता है कॉफ़ी, और हम कॉफ़ी पीते उसमें कॉफ़ी रहते हैं। तो हम करीब करीब 150 से 200 मिलीग्राम हर दिन कैफीन हम लेते रहते हैं, और जो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं वो तो ज़्यादा ही लेते हैं। तो उससे हमको, यानी कॉफ़ी पीने से लोगों को अच्छा लगता है, एक प्लेजरेबल सेंसेशन आता है, यानी नर्वसनेस चले जाता, एक खुद को अच्छा लगता है, प्लेजर ऑफ वेलबींग, अब एक उसको बोलते वेलबींग का सेंसेशन, प्लेजरेबल सेंसेशन वो होता है, मूड अच्छा हो जाता है, थकान निकल जाती है, और फिर हम काम करने के लिए उत्साह भी आ जाता है, और इसलिए हम कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी से ब्रेन में डोपामिन नाम का जो द्रव्य है उसको, वो ज़्यादा प्रमाण में तैयार हो जाता है, तो उसे प्लेजरेबल सेंसेशन आता है। तो वह लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर होता क्या है कि उसकी जब लत लग जाती है कॉफ़ी की, तो फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कॉफ़ी जब मिलती नहीं है तो फिर उस समय घबराहट होना, बेचैनी होना, फिर ऐसा काम पे कंसंट्रेशन नहीं होना, ख्याल नहीं रहना, याद नहीं रहना, मतलब ऐसा कुछ तो भी उसको लगता है कि कुछ तो भी मैंने कुछ तो भी खोया हुआ है, कुछ तो भी गड़बड़ है, और उसको बेचैन होकर फिर वो कुछ ना कुछ वो उसका दिमाग में हो रहता है कॉफ़ी होना करके। तो ऐसे कॉफ़ी की लत रहती है। कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना कभी कभी होता है, उससे कॉफ़ी की कैफीन इंटॉक्सिकेशन उसको बोलते हैं, कॉफ़ी से इंटॉक्सिकेट होना। और उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लिया, मतलब 800 से 1000 मिलीग्राम एक दिन में कॉफ़ी ले लिया, तो उससे बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन होके चिड़चिड़ापन, फिर गुस्सा करना, एक्साइटमेंट हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, आक्रामक हो जाना, लोगों के ऊपर गुस्सा करना, नींद नहीं आना, पेट में गड़बड़ी, और कोई काम में कंसंट्रेशन नहीं करना, मतलब जो चीज़ के लिए हम कॉफ़ी लेते हैं वो यदि वही कॉफ़ी ज़्यादा लिया तो जो चीज़ के लिए कॉफ़ी लिया वो ज़्यादा चीज़ हो जाती है, मतलब तकलीफें ज़्यादा हो जाती है। कभी ज़्यादा गुस्सा करके इसको मारपीट भी कर सकता है वो, बातें ज़्यादा करना, ऐसे इंटॉक्सिकेशन होता है। कॉफ़ी हम स्टिमुलेशन के लिए लेते हैं, मतलब हमको अच्छा लगना चाहिए इसलिए हम कॉफ़ी लेते हैं, मगर कॉफ़ी की लत लगना वो एक प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते, और ज़्यादा कॉफ़ी ले लिया तो उसका इंटॉक्सिकेशन होना वो भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा ये है कि कॉफ़ी लेंगे नहीं तो बहुत अच्छा है, मगर हम क्या करते हैं कि कहीं बैठे चलो कॉफ़ी लेंगे करके कॉफ़ी पीते हैं, तो एक सोशल ड्रिंक करके वो है, कहीं गए तो नहीं कॉफ़ी लो करके बोल दे, तो कॉफ़ी लेते हैं लोग, मतलब जो कॉफ़ी लेते हैं, जो चाय लेते नहीं है वो दो चार कप तो कॉफ़ी ले लेते दिन में। कॉफ़ी नहीं लिया तो अच्छा है, क्योंकि उससे जो प्रॉब्लम आते हैं नहीं लेने से वो निकल जाएंगे, और कॉफ़ी लेने के बाद में हमको जो स्टिमुलेशन मिलता है, जो अच्छा लगता है, वो बिना कॉफ़ी का भी कैसा जनरेट करना, वो कलाकारी सीखना जरूरी है। क्योंकि मैं कॉफ़ी भी नहीं लेता हूँ, चाय भी नहीं लेता हूँ, और उसमें तभी भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगना ये अंदर से आएगा, ना कि कुछ बाहर की चीज़ें लेने से मुझे अच्छा लगेगा। तो वो फीलिंग ऑफ वेलबींग जो है, या प्लेजरेबल सेंसेशन है, वो हम जनरेट करना सीखेंगे, रिलैक्स होना और प्लेजरेबल फीलिंग जनरेट करना, खुशी जनरेट करना, एक्साइटमेंट जनरेट करना, वो हम अंदरून करते हैं तो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी हम जिएंगे, बजाय कोई ड्रिंक के ऊपर डिपेंड हो जाना और ड्रिंक लेना। तो इंटॉक्सिकेशन जो है उसका इलाज तो ऐसा कोई नहीं है, उसको धीरे 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 सुलाना, उसको आराम करने देना, या उसको सोने की दवा देना और उसको सुलाना, धीरे धीरे जब निकल जाएंगी कॉफ़ी कैफीन शरीर में से तो अच्छा हो जाएगा। और लत यदि किसको है कि नहीं 5-6 कप कॉफ़ी, 10-10 कॉफ़ी लोग लेते हैं रोज की, तो लत जो नशा है वो बंद करना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि अपना ब्रेन जो है वो कॉफ़ी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंस आ जाता है कि उसके से होता ही नहीं है, और वो प्रॉब्लमेटिक होता है।
तो कॉफी के एडिक्ट बहुत सारे होंगे आपके परिचित, उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।